दोस्तों आज हम उन खास हिंदू शख्सियतों की बात करेंगे जिन्होंने किसी के दबाव में तो किसी ने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है। कभी गांधी के बेटे ने तो कभी जिन्ना ने इस्लाम स्वीकार किया था। दोस्तों इस्लाम दुनिया में कैसे फैला ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह समय की जरूरत कहे या इस्लाम की करतूत यह कोई नहीं बता सकता। खैर इस्लाम दुनिया में फैला उस एकेश्वरवाद धर्म ने हिंदुस्तान में भी कदम रखा, जहां का इतिहास दुनिया जानती है कि कैसे यह धर्म हिंदुस्तान में फैला। चलो ये तो पुरानी बातें हैं, मैं आज की बात करता हूँ। आज से मेरा मतलब है वर्तमान युग, जो कि 100 सालों का समय है जिसमें इस्लाम हिंदुओं ने अपनाया। तो वक्त की इज्जत करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि किन किन हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया था। हीरालाल मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी का बेटा, हाँ वही महात्मा गांधी जो हमारे नोटों पर हैं, उनके पुत्र हीरालाल मोहनदास गांधी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उसने अपना नाम हीरालाल गांधी से अब्दुल्ला गांधी रख दिया था और 21 मई 1936 को उसने सार्वजनिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाद में उसकी माँ कस्तूरबा गांधी के समझाने पर उसने आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म में घर वापसी की थी और अपना नाम अब्दुल्ला से बदलकर हीरालाल वापस रख लिया था। दीन मोहम्मद शेख, जिसने 1,00,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया था और खुद भी मुसलमान हो गया था, उनका जन्म सिंध पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने जन्म के साथ ही हिंदू धर्म का पालन किया था, लेकिन साल 1989 में वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुस्लिम मिशनरी के रूप में काम किया। उसने मात्र सिंध प्रांत में 1,00,000 से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। पाकिस्तान के रहने वाले पहले से डरे हुए हिंदुओं को दीन मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में इतना बहकाया कि उन हिंदुओं ने इस्लाम को ही जीवन का अंतिम सत्य स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर, पद्मावत मूवी याद है आपको, उसमें अलाउद्दीन का सबसे खास व्यक्ति जो था उसका वास्तविक नाम ठाकुर युगधर था। वे काकतीय साम्राज्य का एक सेनापति था। उसको क्रूरता और अत्याचार इतना पसंद था कि वो अपने राज्य में अपने ही सैनिकों को शौक के लिए मार देता था। जब तुगलक वंश भारत में आया तो उसने देखा कि इस्लामी लोग उसके जैसे ही हैं, अर्थात अत्याचारी, तो उसने उसी दिन से हिंदू धर्म त्याग कर शाह तुगलक से मिल गया और अपना नाम मलिक काफूर रख लिया। बाद का इतिहास तो आपको पता है कि कैसे उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू बहन बेटियों की सील भंग की और कितने हिंदुओं को उसने मारा था और इस्लाम में परिवर्तित करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ उन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान बनाया था, वही जिन्ना जो पाकिस्तान के महात्मा गांधी हैं। अगर पूछा जाए कि क्या जिन्ना हिंदू थे तो इस्लाम इसका जवाब देता है कि नहीं, जिन्ना मुसलमान थे, पर हाँ जिन्ना के पिता जन्मजात हिंदू थे और बाद में हिंदू धर्म में कठोर जातिगत व्यवस्था के कारण इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। पर उन्होंने इस्लाम तो अपनाया, पर सदियों से हिंदू संस्कृति से जुड़े रहने के कारण जिन्ना एक आदर्श मुस्लिम नहीं बन पाए। जिन्ना ने इस्लाम के हर नियम को तोड़ा था, उनको इस्लाम और कुरान का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। जिन्ना ने हिंदुओं को यह संदेश जरूर दिया था कि जाति व्यवस्था ने हिंदुओं और हिंदुस्तान के कई दुश्मन पैदा कर दिए। जिन्ना के परदादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर कराची में मछली का कारोबार करते थे। वे मछली के कारोबार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। मूल रूप से गुजरात के काठियावाड़ के लोहाना कुल से वे संबंध रखते थे। जिन्ना के दादा तक तो मछली का कारोबार ठीक ठाक चलता रहा, पर जिन्ना के पिता को समाज में इतनी इज्जत नहीं मिली। लोग उनको मलेच्छ तक कहने लग गए थे क्योंकि वो मांस मछली का कारोबार करते थे। वे जिस लोहाना जाति से संबंध रखते थे वह जाति पूर्ण रूप से शाकाहारी जाति थी। उस जाति ने जिन्ना के परिवार को इस काम के लिए बहिष्कृत कर दिया था। इस अपमान से जिन्ना के पिता पुंजलाल ठक्कर ने अपने चारों बेटों के साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जिन्ना ने शिया इस्लाम स्वीकार किया, जिस जाति व्यवस्था को छोड़कर हिंदू धर्म से इस्लाम में जिन्ना गए उसी इस्लाम में शिया सुन्नी विवाद में
आज जिन्ना की मान्यता वाले सिया लोगों को रोज पाकिस्तान में मारा जाता है। तो ये थे कुछ खास लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को स्वीकार किया था। आप जान लीजिए कि कैसे हिंदू धर्म को छोड़कर ये हिंदू धर्म के लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप अगला वीडियो इस बारे में चाहते हैं कि वे कौन से मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, अर्थात उन खास मुसलमानों की बात हम अगले वीडियो में करें जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार किया। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में वीडियो बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं एक नए एपिसोड की तलाश में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा।